नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन के ओपनिंग पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में क्या जगमोहन रेड्डी की सरकार यानी कि वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी या फिर टीडीपी या फिर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी यहां पर अपना वर्चस्व निभा पाएगी या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा या फिर बीजेपी यहां पर बाजी मारेगी। तो जी दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के चुगदा जिलों के ओपनिंग पोल के बारे में। क्या कहती है आंध्र प्रदेश की जनता, 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके आंध्र प्रदेश की एक एक सीट का ओपनिंग पोल के बारे में। 175 सीटों में से मेजोरिटी चाहिए यानी कि जीतने के लिए 88 सीटें चाहिए और यहां पर मुख्य पार्टियां हैं वाईएसआर सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि जगमोहन रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी के नेता, वहीं पवन कल्याण जनसेना के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी यहां पर फाइट करती हैं। क्या होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की सीटों पर? इससे पहले आप अपने एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनंतपुर की चुगदा विधानसभा सीटें हैं, चुगदा में से 8 पर वाईएसआर और टीडीपी खाते में 5 सीटें, जेएसपी यानी कि जनसेना पार्टी को यहां पर 1 सीट, बीजेपी खाते में 0, अदर पार्टी को यहां पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं चित्तूर विधानसभा की, चुगदा विधानसभा सीट है और यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है, टीडीपी यहां पर 4 सीटों पर और जेएसपी पवन कल्याण की पार्टी को यहां पर 3 सीटें, बीजेपी का तमें 1 सीट जा सकती है। पूर्वी गोदावरी की 19 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर जगमोहन रेड्डी को यहां पर 10 सीटें, एन चंद्रबाबू नायडू को यहां पर 7 सीटें, पवन कल्याण को 1 सीट, बीजेपी का तमें 1 सीट यानी कि नरेंद्र मोदी को 1 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी का तमें यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की 175 में से 46 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 24 सीटों पर जगमोहन रेड्डी, 16 सीटों पर टीडीपी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और 5 सीटों पर पवन कल्याण, 2 सीटों पर नरेंद्र मोदी, अन्य पार्टी का तो यहां पर 0 सीट। घुटूर की 17 विधानसभा सीट है, 17 में से वाईएसआर कांग्रेस को यहां पर 9 सीटें, टीडीपी खाते में 7 सीट, जेएसपी खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी का तो यहां पर 0 सीट। कडप्पा की 16 विधानसभा सीट है और यहां पर वाईएसआर कांग्रेस 5 विधानसभा सीटें जीत सकती है, टीडीपी खाते में 3 सीटें जाने की संभावना जा रही है, जेएसपी यानी कि पवन कल्याण को यहां पर 2 सीटें, बीजेपी का तमें 1 सीट, अन्य पार्टी का तमें यहां पर 0 सीट। कृष्णा की 16 विधानसभा सीटें हैं, 16 में से 8 पर जगमोहन रेड्डी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस जगमोहन रेड्डी को मिल सकती है 8 सीटें, टीडीपी खाते में यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू को यहां पर 5 सीटें और पवन कल्याण के खाते में 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, अन्य पार्टी का तमें यहां पर 0 सीट। आंध्र प्रदेश के 175 में से 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, पवन कल्याण के खाते में 10 सीट, एन चंद्रबाबू नायडू को यहां पर 31 सीटें, 46 सीटों पर जगमोहन रेड्डी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के नेता को यहां पर 46 सीटें मिल सकती है। करनूल की चुगदा विधानसभा सीट है, चुगदा में से 10 पर वाईएसआर कांग्रेस जीत सकती है, टीडीपी खाते में 4 सीटें, जेएसपी खाते में 0 और बीजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। नेलोर की, हाँ दोस्तों, नेलोर की 10 विधानसभा सीट है और यहां पर 10 में से 6 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस और 2 सीटों पर टीडीपी और जेएसपी खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0 सीट। प्रकाशम, जी हां दोस्तों, प्रकाशम जिले की 12 विधानसभा सीट है और यहां पर 12 में से 7 पर जगमोहन रेड्डी, 3 पर एन चंद्रबाबू नायडू और 1 सीट पर पवन कल्याण, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0 सीट। दोस्तों अब तक आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में से 126 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और जगमोहन रेड्डी सबसे ऊपर है 69 सीटों पर, 40 सीटों पर यानी कि सेकंड पार्टी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को 12 सीटें, 5 सीटों पर बीजेपी, अन्य पार्टी का तो यहां पर सुपड़ा साफ। श्रीकाकुलम की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से वाईएसआर कांग्रेस को 5 सीटें, टीडीपी खाते में 3 सीटें, जेएसपी खाते में 2 सीट, बीजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी का तो यहां पर 0 सीट। विशाखापट्टनम की 15 विधानसभा सीटें हैं, 15 में से वाईएसआर कांग्रेस को यहां पर 10 सीटें, टीडीपी खाते में यहां पर 4 सीटें, जेएसपी खाते में 1 सीट, 0 सीट पर बीजेपी, अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0 सीट। विजयनगरम की 9 विधानसभा सीटें हैं और जगमोहन रेड्डी को 8 सीटें, एन चंद्रबाबू नायडू को यहां पर 0, 1 सीट मिल सकती है और पवन कल्याण के
खाते में यहाँ पर जीरो सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट, बीजेपी के खाते में भी जीरो सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा स्थायी जा रही है। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल निकल के आ रहा है और यहाँ पर YSR कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी सरकार बना सकते हैं, यानी कि 92 सीटों के साथ, यानी कि पिछली बार की तुलना में काफी कम सीटें दिखाई दे रही है। 92 सीटों पर जगमोहन रेड्डी, 48 सीटों पर TDP के नेता N चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण JSP के नेता, 15 सीटों पर जा सकती हैं उनकी सीटें और 5 सीटों पर नरेंद्र मोदी, यानी कि BJP मात्र 1 सीट पर बढ़ोतरी करेगी और पवन कल्याण यहां पर 1 सीट से यानी कि 14 सीटों के साथ बड़ी लीड करेंगे और TDP भी यहां पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और 92 सीटों पर नुकसान के साथ YSR कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी गोदावरी की। 15 विधानसभा सीटें हैं, 15 में से 12 विधानसभा सीटों पर YS कांग्रेस के लीडर और मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे YS जगमोहन रेड्डी और 3 सीटों पर N चंद्रबाबू नायडू, 0 सीट पर पवन कल्याण और 0 सीट पर ही नरेंद्र मोदी, अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 75 यानी कि 175 विधानसभा सीटों के यानी कि सभी 75 सीटों के ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 175 सीटों में से YSR कांग्रेस जबरदस्त लीड के साथ 104 सीटों पर यानी कि जगमोहन रेड्डी फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। TDP के नेता यानी कि तेलुगु देशम पार्टी को यहाँ पर 51 सीटों पर लीड मिलेगी और पवन कल्याण यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म कर सकते हैं। 15 सीटों पर 1 सीट से 15 सीटें डायरेक्ट और 5 सीटों पर नरेंद्र मोदी और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 यानी कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है, पिछली बार की तुलना में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पिटी हुई दिखाई दे रही है और YS कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 104 सीटें और TDP खाते में 51 सीट और पवन कल्याण खाते में 15 सीट, नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आंध्र प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या आंध्र प्रदेश की फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा होगा, यानी कि बड़े बड़े सितारों के साथ आंध्र प्रदेश जाएगा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।